पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी द 10 सेंटीमीटर अपार्ट टेक अ डायरेक्शन ए टू बी एज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड गिव द साइन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन अ पार्टिकल व्हेन इट इज ओके। तो अपने पास इस तरह से SHM हो रहा है ओके। ये मैं बोल देता हूँ ये आपका मेन पोजिशन है और ये आपका मेन पोजिशन है, ये आपका ए पोजिशन है, ये आपका बी पोजिशन है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है ओके। ये मेन पोजिशन अपन बोल देते हैं ये जीरो है और ए से बी पॉजिटिव बोल रखा है तो ये पॉजिटिव है और यहाँ बोल सकते हैं अपन ये नेगेटिव है ओके। तो सबसे पहले अपने को वेलोसिटी एक्सेलरेशन और फोर्स के बारे में बताना है। ए बी सी डी ई और एफ के अंदर वेलोसिटी बताना, एक्सेलरेशन बताना, फोर्स बताना, डायरेक्शन बताना, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है ये बताना है ओके। फर्स्ट बात करते हैं एट द एंड ऑफ ए, ए के ऊपर बात करें तो ए के ऊपर, ए के ऊपर वेलोसिटी कितना होगा? देखो वेलोसिटी तो यहाँ ए के ऊपर तो रेस्ट पा जाएगा नहीं, ए के ऊपर वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ पे लिख देते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन और फोर्स, ए के ऊपर वेलोसिटी जीरो होगा ओके और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा राइट। और एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? एक्सेलरेशन इस तरफ होगा टुवर्ड मेन पोजिशन। हमेशा SHM में एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा टुवर्ड मेन पोजिशन होता है। तो ये इस तरफ डायरेक्शन है ना, ये फर्स्ट की बात करते हैं, इस तरफ डायरेक्शन है ओके। इस तरफ मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और जिस जिस जो साइन एक्सेलरेशन का है वही साइन क्या होगा? वही साइन क्या होगा? फोर्स का होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो साइन एक्सेलरेशन का है वही साइन क्या होगा? फोर्स का होगा ओके। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। बी में देखते हैं एट एंड ऑफ बी, बी के ऊपर वापस वेलोसिटी जीरो होगी ओके और एक्सेलरेशन टुवर्ड मेन पोजिशन, यानी कि एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, यानी ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा तो फोर्स भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। सी के ऊपर बात करते हैं एट अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी गोइंग टुवर्ड ए, ए की तरफ जा रहा है यानी मिड पॉइंट से ए की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी का अपने पास आ जाएगी नेगेटिव ओके। वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो इस तरफ होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अपना पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा ओके। और क्या बात करें, कहाँ पे ये एट मिड पॉइंट की बात करें, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा लेकिन मिड पॉइंट के ऊपर तो जीरो होगा ना, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स होता है और एक्स ही जीरो है तो क्या देगा? जीरो आ जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी क्या होगा? जीरो होगा। बी के ऊपर बात करते हैं एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी गोइंग टूवर्ड ए, तो बी से 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टूवर्ड ए, बी से 2 सेंटीमीटर और ए की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ का ही पॉइंट है ये ठीक है, ये पॉइंट है और ए की तरफ जा रहा है ओके। ए की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी तो हो गया नेगेटिव राइट, वेलोसिटी तो नेगेटिव हो गया ना, वेलोसिटी तो इस तरफ है ओके। और फोर्स भी, फोर्स और एक्सेलरेशन भी इसी तरफ टूवर्ड मेन पोजिशन होगा तो ये क्या जाएगा? ये भी नेगेटिव हो जाएगा ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ई की, तो एट 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए गोइंग टूवर्ड बी, बी ए से 3 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पे कहीं पे है, इस तरफ जा रहा है बी की तरफ, यानी अभी मेन पोजिशन पे पहुंचा नहीं, मेन पोजिशन की तरफ जा रहा है ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और आपका एक्सेलरेशन इस तरफ है, यानी ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आएगा और फोर्स भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है, 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टूवर्ड ए, यानी बी से 4 सेंटीमीटर यानी ये भी मेन पोजिशन है, ये मेन पोजिशन है तो मेन पोजिशन में पहुंचा नहीं है और मेन पोजिशन की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और फोर्स भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा।